नेक्स्ट इज टूल टिप कंट्रोल, कि अगर मुझे कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म के ऊपर या फिर कंट्रोल के ऊपर कोई टिप, मतलब टूल टिप हिंट प्रोवाइड करनी है, राइट, जब भी मेरा माउस का पॉइंटर पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर जाता है या फिर पर्टिकुलर कंट्रोल के ऊपर जाता है, तो मुझे वहां पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है यूजर को, या फिर हिंट जिसे हम कह सकते हैं, या फिर अलर्ट जिसे हम कह सकते हैं, ऐसी कोई चीज अगर हमें यूजर को प्रोवाइड करनी है तो वहां पे हम ये टूल टिप कंट्रोल का यूज कर सकते हैं, राइट। सो टूल टिप कंट्रोल कैसे डिस्प्ले होगा, राइट, वो एक पॉपअप के हिसाब से डिस्प्ले होगा इन अ स्मॉल रेक्टेंगल, कि जहां पे हम पर्टिकुलर कंट्रोल का यूज क्या है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी हम वहां पे डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन ये पॉपअप कब डिस्प्ले होगा, जब भी हम हमारे माउस का पॉइंटर वो कंट्रोल के ऊपर ले जाएंगे, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स वहां पे वो पॉपअप डिस्प्ले होगा। इन शॉर्ट, अगर हमें पर्टिकुलर कंट्रोल के ऊपर पॉइंटर जाता है यूजर का और हमें यूजर को हिंट देनी है कि ये कंट्रोल किसके लिए आपको यूज करना है, या फिर सिर्फ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड, तो हम ये टूल टिप कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि हम यूजर को अलर्ट दे सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है कि जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो द प्रॉपर्टीज आर, फर्स्ट इज एक्टिव, मतलब ये टूल टिप करंटली एक्टिव है कि नहीं है, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि हमें हर बार टूल टिप नहीं डिस्प्ले करनी है, तो हम ये प्रॉपर्टी से सेट कर सकते हैं। ऑटो पॉप डिले, अगेन आई रिपीट, ऑटो पॉप डिले। ऑटो पॉप डिले मतलब क्या, टाइम पीरियड के जब ये टूल टिप विजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये आप मेरा माउस पॉइंटर देख सकते हो, ये हाइफन के ऊपर गया, राइट, हाइफन के ऊपर गया तो मुझे वहां पे टूल टिप डिस्प्ले हुई, लेकिन कितने टाइम तक वो विजिबल होनी चाहिए। पॉइंटर अगर ये हाइफन के ऊपर स्टेशनरी है, मतलब स्टैटिक है, राइट, तो कितने टाइम तक ये टूल टिप डिस्प्ले होनी चाहिए, दैट इज ऑटो पॉप डिले। नेक्स्ट इज इनिशियल डिले। इनिशियल डिले मतलब जैसे ही मैं ये अपना माउस पॉइंटर ये हाइफन के ऊपर ले जाती हूँ, राइट, तो कितने टाइम के बाद टूल टिप डिस्प्ले होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम पॉइंटर पर्टिकुलर कंट्रोल के ऊपर ले जाएंगे तो तुरंत ही वहां पे टूल टिप डिस्प्ले हो जाएगी, नो, इट विल टेक सम टाइम। तो वो इनिशियल डिले कितना है, राइट, वो हम यहाँ पे इनिशियल डिले प्रॉपर्टी से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बलून, मतलब बलून के फॉर्म में वहां पे हमें टूल टिप चाहिए कि सिंपल रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमें ये टूल टिप चाहिए, वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रीशो डिले, राइट, रीशो डिले का मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे ये जो मेरा माउस पॉइंटर है, राइट, मैंने यहाँ पे ये हाइफन के ऊपर रखा, तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम वो लेगा, दैट इज इनिशियल डिले, उसके बाद टूल टिप डिस्प्ले करेगा, फिर थोड़े टाइम के बाद वो चला जाएगा, फिर से वो कितने टाइम बाद वो डिस्प्ले होगा, राइट, दैट लेंथ ऑफ टाइम हम यहाँ पे रीशो डिले में सेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज शो ऑलवेज, एक बार टूल टिप डिस्प्ले हो जाती है उसके बाद जब तक हम उसे नॉट एक्टिव नहीं करेंगे, राइट, तब तक वो डिस्प्ले ही रहेगी, दैट इज शो ऑलवेज। नेक्स्ट इज स्ट्रिप एम्परसेंट, अगेन आई रिपीट, नेक्स्ट इज स्ट्रिप एंड एम्परसेंट। स्टूडेंट, हमें पता है कि एम्परसेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, बिकॉज अगर हमें वहां पे शॉर्टकट कैरेक्टर क्रिएट करना है तो हम वहां पे एम्परसेंट यूज करते हैं। तो ये एम्परसेंट को कैसे हमें ट्रीट करना है, बिकॉज अगर मैंने वहां पे जो टूल टिप डिस्प्ले की है उसके अंदर एम्परसेंट यूज किया है, तो वो पर्टिकुलर एम्परसेंट को कैसे ट्रीट करना है, वो मैं यहाँ पे सेट कर सकती हूँ। टूल टिप आइकन, वो आइकन के जो मुझे टेक्स्ट के साथ डिस्प्ले करवाना है, दैट इज टूल टिप आइकन, के जो मैं यहाँ पे सेट कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज टूल टिप टाइटल, टूल टिप जो डिस्प्ले होगी उसका टाइटल क्या होगा, वो भी मैं सेट कर सकती हूँ। यूज एनिमेशन, राइट, अगर मुझे टूल टिप में एनिमेटेड इफेक्ट देनी है या फिर नहीं देनी है, वो मैं यहाँ पे सेट कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज यूज फेडिंग,
यूज फेडिंग, फेडिंग का मीनिंग क्या होता है कि वो किस हिसाब से डिस्प्ले होगा, वहां पे इफेक्ट क्या होगी, डीम इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, कि अगर मैं ये पर्टिकुलर हाइफन के ऊपर मैं पॉइंटर ले गई तो थोड़े थोड़े स्लो मैनर में वो टूल टिप डिस्प्ले होगी एंड आफ्टर सम टाइम स्लो मैनर में वो फेड होके बंद हो जाएगी, मतलब डीम लाइट जिसे हम कहते हैं, डीम से स्टार्ट होगी, ब्राइट होगी, फिर से वो डीम होके बंद हो जाएगी, दैट इज यूज फेडिंग. सो दिस वेर द प्रॉपर्टीज. मेथड्स ऑब्वियसली टूल टिप रिलेटेड है, तो गेट टूल टिप, अगर मुझे टूल टिप रिट्रीव करनी है तो गेट टूल टिप, रिमूव ऑल, मुझे सारी टूल टिप्स रिमूव कर देनी है, राइट. सेट टूल टिप, अगर मुझे पर्टिकुलर टूल टिप को अंदर टेक्स्ट सेट करना है. शो, अगर मुझे एक्सप्लिसिटली टूल टिप शो करनी है, राइट, दो उसका वो इनिशियल डिले, वो रीशो डिले, उसके ऊपर वर्क नहीं करना है, मुझे तुरंत ही वो टूल टिप शो करनी है, तो मैं टूल टिप के ऊपर ये शो मेथड कॉल कर सकती हूँ. स्टॉप टाइमर, ऑब्वियसली टूल टिप के साथ टाइमर अटैच होगा तो ही उसके अंदर हम वो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो ये इनिशियल डिले प्रॉपर्टी यूज करती है, ऑटो पॉप डिले प्रॉपर्टी यूज करती है, रीशो डिले प्रॉपर्टी यूज करती है, ऑब्वियसली उसके अंदर टाइमर होगा. लेकिन अगर हमें वो टाइमर को स्टॉप कर देना है तो हम ये स्टॉप टाइमर प्रॉपर्टी का सॉरी मेथड का यूज कर सकते हैं, राइट. एंड डिफॉल्ट इवेंट ऑफ टूल टिप कंट्रोल इज पॉपअप इवेंट. ऑब्वियसली टूल टिप कैसे वर्क करती है, पॉपअप होके ही वर्क करती है, तो डिफॉल्ट इवेंट कौन सी होगी टूल टिप की, पॉपअप, राइट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द टूल टिप कंट्रोल, की जो हम यूजर को अगर हमें कोई फील्ड के रिलेटेड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है या फिर अलर्ट देना है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो कंट्रोल क्यों हम यूज करना चाहते हैं, वैसी सारी हिंट्स देनी है, राइट, तो हम टूल टिप कंट्रोल का यूज कर सकते हैं, राइट. So students, this is all about the control and I think it is all about today's lecture, right? So aaj humne jo controls dekhe, that is checked list box, then combo box, then humne tooltip dekhi, tooltip control dekha, date time picker control dekha, progress bar control dekha, mask text box control dekha, right? So ye sare controls mein agar aapko koi doubt hai to aap mujhe pooch sakte ho, and after that we will end our lecture.